सदर आज़ाद कश्मीर ने वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए असम्बली इजलास 18 अप्रैल को तलब कर लिया है। इजलास तलब करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इजलास पीर की सुबह 10:30 बजे कानून साज असम्बली हॉल मुजफ्फराबाद में होगा। मज़ीद डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदे खुसूसी अफजल भट्ट साहब से। अफजल अपडेट कीजिएगा। जी सदर आज़ाद कश्मीर बहरेस्टर सुल्तान महमूद ने वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए कानून साज असम्बली आज़ाद जम्मू कश्मीर का इजलास तलब कर दिया है, जो पीर के रोज 10:30 बजे मुजफ्फराबाद में होगा और जिसके लिए स्पीकर कानून और साज असम्बली उसी रोज कार्रवाई करते हुए वज़ीर आज़म का इलेक्शन कराएंगे। और अब तक की सूरत हाल के मुताबिक तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार तरवीर अलियास को वजारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद कर दिया है, जबकि पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मुश्तरका उम्मीदवार चौधरी यासीन होंगे। और ये मुकाबला 1-1 होगा और आज़ाद कश्मीर के अबूरी एक्ट 74 के मुताबिक शो ऑफ हैंड के जरिए वजीर आजम का इंतखाब होगा। आज़ाद कश्मीर की पार्लियामेंट में मौजूद दो छोटी जमातें जिनकी एक ही सीट है, जम्मू कश्मीर पीपल पार्टी के प्रेजिडेंट हसन इब्राहिम ने ऐलान कर रखा है कि वो इस अमल में हिस्सा नहीं लेंगे, जबकि जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह सरदार अतीक अहमद खान ने सरदार तनवीर अलियास की हमायत का ऐलान कर रखा है। बहुत शुक्रिया अफजल भट्ट साहब अपडेट करने के लिए।